हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? राइट। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा हमारी सी सैट की क्लासेस को लेकर, राइट, जिस तरीके से यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, राइट, है ना, उस तरीके से हम सभी लोगों को फोकस करना पड़ेगा। ओके, और हम सभी को उसी डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, है ना। आज आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया? कितने ऐसे बच्चे हैं या जिसका नहीं आया, उसका क्या मेन वजह रहा है? मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से, राइट, उसमें आपका क्या मेन वजह रहा है जिसके वजह से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब हो चाहे बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, राइट, है ना, कंटेंट की भरमार वाकई में बहुत ज़्यादा है, राइट, इतने ज़्यादा कंटेंट भरमार है ताकि स्टूडेंट्स कांट अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विच इज रेलिवेंट टू यूपीएससी पैटर्न। हमें उस लेवल के उस तरीके के कंटेंट को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। आज के सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके, और आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या हमारा जो यूपीएससी के जो लास्ट टू ईयर्स में जो सी सैट में जो क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड जो चेंज हुआ है, चाहे जो उसको जो वे चेंज हुआ है, क्या उस पैटर्न पे सर की क्लासेस जा रही हैं, यस या नो? ओके, चलिए, तो मैं कोशिश उसी पे करूँगा। राइट सर, आप लेट हो गए हो? भाई साहब, मैं लेट हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, क्या करूँ, राइट, है ना, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस होती है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन बैचेज हो, पेड वर्स पेड बैचेज के भी बच्चे होते हैं, राइट, है ना, तो टाइम तो लगता ही है, राइट, है ना, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं बहुत ही जल्दी मैं 10 बजे ही आ जाऊँ, कभी पर मैं टाइम से आ जाता हूँ, राइट। एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, यस सर एवरीथिंग इज फाइन। सो अन अकेडमी पे इतने सारे बच्चे हमारे सेलेक्टेड हुए हैं, जब ये हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करिए विद द हेल्प ऑफ माई रेफरल कोड एंड प्रोमो कोड जो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, राइट, है ना। बाकी ये किसका किसका प्रीलिम्स हुआ, मेंस क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम, राइट, मेंस क्रैश कोर्स है, थ्रू द आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आंसर है, थ्रू द व्हाट्सअप मेंटर एजुकेशन मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस मेंटरशिप सेशन फॉर द टॉप, राइट, है ना, बाय द टॉप एजुकेटर, डिटेल स्टडी प्लानर, PYQ विथ आंसर्स, आंसर राइटिंग विथ डिटेल एवेल्यूशन, राइट, एंड ट्रेंडिंग हैप्पी ट्रेंडिंग करेंट अफेयर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज। एक ये स्टार्ट फ्रॉम 18th of June से तैयारी जीत की बैच स्टार्ट हो चुका है, एक न्यू बैच आरंभ बैच फाउंडेशन बैच वो भी स्टार्ट 15th of June से होगा। यू हैव टू यूज माई रेफरल कोड लाइट लक्ष्य बैचेज UPSC CSE 2024, एक ये बैचेज हैं, राइट, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अन अकेडमी पर कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशंस के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आप इस कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करें, राइट। वो टाइम चला गया, हंस के पढ़ूंगा, खेल के पढ़ूंगा, राइट, जब मन करेगा तभी पढ़ूंगा, नहीं नहीं UPSC है भाई, अच्छा, ओके, चलिए शुरुआत करता हूँ, ओके, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए। एक बार आप लोग अपना अपना ऑप्शनल भी बताएं क्या है, राइट, क्या क्या है आप लोगों का ऑप्शनल है, एक बार मुझे ऑप्शनल बताएं क्या क्या ऑप्शनल है। तो अन अकेडमी पे किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड, राइट, चाहे आप इस रेफरल कोड को यूज़ करें, चाहे प्रोमो कोड को यूज़ करें, मंथली पे करें, राइट, सभी लोग सब ढोको लोलो हमारे आ गए हैं, यस यस, एंथ्रोपोलॉजी श्रीपा घोष, अंजलि तोमर, हिस्ट्री अजय पटेल, हिस्ट्री, राइट, वेरी गुड, हिस्ट्री मैथ्स, राइट, ओके, प्रेरणा शुक्ला, ओके, एंथ्रोपोलॉजी ज्योग्राफी चेतन, ओके, अनुप्रिया सोशोलॉजी, ओके, दीपिका यादव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोजा रिजवी, हरिओम, राबिया कुरैशी, शकोला सलमान खान, सर मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज भी किया बट आपने रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, कर दूंगा, थोड़ा इंतज़ार करो, विष्णुदेव, हिंदी लिटरेचर, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लिया, सभी लोग आराम से, इतने सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन अभी तक किसी ने सेशंस को लाइक और शेयर नहीं किया। एक सेकंड रुकिए, मैं भी सेशंस को लाइक और शेयर कर दूं, क्योंकि भाई क्वेश्चंस का जो पैटर्न है बहुत ही अलग लेवल का, राइट, है ना, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है बहुत ही अलग लेवल का, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द पैटर्न। सो दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी, यू कैन सी हियर अबाउट मी, राइट, है ना,
एंड लगभग दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुका हूँ. राइट नाउ वर्किंग विद अन अकेडमी एज ए टॉप एंड वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी. ओके एंड चलिए शुरुआत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे. इट्स माई थॉट्स राइट इन विच यू विल गेट ऑल द थिंग्स. चलिए रेडी है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है? एक सेकंड रुको, क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले एक्स फर्स्ट एक सेकंड थोड़ा सा एक्स वाई जेड एक सेकंड रुको. एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स? ओके एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? एक सेकंड रुक जाइए. तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? एक सेकंड. सभी को विजुअल हो रहा है राइट? यस सर. सर जी लेक्चर आठ नहीं है, लेक्चर आठ नहीं है. जो नहीं होगा वो समझ लो कि शायद नहीं होगा. एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सर. एक सेकंड रुकिए, बस मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा. सर आपका एक और बैच YouTube में चल रहा है बेसिक्स फाउंडेशन करके. हाँ वो भी बैच है. एक सेकंड रुक जाइए मेरे प्यारे बच्चे. अभी आप मत बताओ, अभी आप मत कुछ करो, अभी आप मत कुछ करो, अभी आप मत कुछ करो, अभी आप मत कुछ करो. ठीक है चलिए. इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए राइट है ना, आपको मैं पहले एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. ठीक है, पहले मैं आपको एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ सभी बच्चों को राइट. पहले मैं आपको एक बेसिक आराम से समझना राइट है ना, कुछ भी फालतू मत सोचो. ठीक है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ. मैंने आपको रिलेशन पढ़ा दिया था ना, कैन यू टेल मी? मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था ना, रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है. एक मैंने ये भी पढ़ाया है, रिलेशन बिटवीन ऑड एंड इवन, सम और विषम, मैंने ये बताया था राइट. ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है. जिसको नहीं बताया है उस बैचेज को आप क्लिक करके आप देख सकते हैं पीछे. इसमें आप इसमें क्लिक करोगे ना, जो एक प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ पे आप देख लोगे. मेरे प्यारे बच्चे, दो एक ऐसा प्राइम नंबर है, दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका इवन प्राइम नंबर है, दो एक इवन प्राइम नंबर है, दो एक इवन प्राइम. लास्ट क्लास में मैंने आपको इवन नंबर के ऊपर भी मैंने बताया था. अरे राइट, इज इट क्लियर? राइट, मैंने बात समझाया. टू जो है यह है आपका इवन प्राइम नंबर. ओके अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जिसको आप समझने का प्रयास करें राइट है ना, और इसको आप समझने का कोशिश करिए कि कैसे हमें करना है राइट. केवल और केवल दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है ओनली जो इवन है, दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका इवन है राइट. बाकी अदर जितने भी प्राइम नंबर है राइट, जितने भी प्राइम नंबर है ये सब के सब क्या है? ऑड है. ये सब के सब क्या है? ऑड है राइट. अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ. मैंने पहले दिन ही बताया था कि बेसिक्स ही है, UPSC बेसिक्स ही पूछेगी, लेकिन बेसिक्स को भी कैसे यूज करके आप अपना थॉट प्रोसेस बढ़ाओगे वो डिपेंड करता है. देखा आज अपने प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे पिछले बार से ज़्यादा इस बार बच्चे CSAT में अटकने की वजह से बच्चे रो रहे हैं. जिन्होंने CSAT की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की थी उसके लिए बेनिफिशियल है राइट. मुझे एक बात बताओ, मान लो कि दो ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन है. अगर मान लो कि मैं ऑड प्लस ऑड करूँ, ऑड प्लस ऑड करूं तो क्या आएगा मुझे बताओ? अगर मैं ऑड प्लस ऑड करूं तो बताओ क्या आएगा, ये मुझे बताइए. अगर मैं आपका ऑड प्लस ऑड करूं तो क्या आएगा राइट? क्या अगर आप ऑड प्लस ऑड विषम प्लस विषम करेंगे
क्या वो आपका ऑड आएगा या इवन आएगा, सम आएगा या विषम आएगा, विषम आएगा, राइट। थोड़ा सा सेशंस को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मान लो कि ऑड में मान लो कि एक तीन हो गया और एक तीन हो गया, थ्री प्लस थ्री करोगे सिक्स, सिक्स क्या है आपका इवन है, फाइव प्लस फाइव करोगे कितना आएगा आपका टेन, टेन क्या है इवन है, राइट, है ना, राइट। उसके बाद नाइन प्लस नाइन करोगे एटीन क्या है आपका इवन आएगा, राइट। तो जब आप ऑड प्लस ऑड करोगे तो ये आपका इवन आएगा, राइट। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, राइट। आपके एग्ज़ाम में चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, राइट, है ना, आपके एग्ज़ाम में कभी भी थ्री नंबर्स को लेकर के लिया जा सकता, पूछा जा सकता है, तीन नंबर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो एक प्राइम नंबर है, फिर एक दूसरा भी प्राइम नंबर है और तीसरा भी प्राइम नंबर है, राइट। अगर ये कोई भी तीन प्राइम नंबर है, राइट, है ना, अगर कोई भी, अगर आपके पास, अगर मान लो कि आपका तीन प्राइम नंबर, राइट, है ना, अगर आपका तीन प्राइम नंबर है, राइट, अगर आपका तीन प्राइम नंबर है तो आपका इवन कब होगा, आपका इवन जो है ये कब होगा, ये इवन आपका कब होगा, ये मुझे बताइए, अगर ये मुझे बताइए, तीन प्राइम नंबर है तो आपका इवन कब होगा, ये मुझे कोई बता सकता है, अगर तीन प्राइम नंबर है तो इवन कब होगा, देखो तीन प्राइम नंबर है तो इवन कब होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो भाई। पहली बात, ये तो आपका ऑड होगा, ये भी आपका ऑड होगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होगा आपका इवन, इवन होगा, ध्यान से सुनो, देखो देखो, मैं आपके थॉट प्रोसेस बढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि आज का लेक्चर आपको कम समझ में आए, राइट, आपका लेक्चर आज का कम समझने का कोशिश करो भाई। अगर ये ऑड प्लस ऑड होगा तो इवन होगा, राइट। अच्छा, आपको ये पता है कि इवन प्लस ऑड करोगे तो मुझे बताओ तो क्या आएगा, इवन प्लस इवन करोगे तो बताओ क्या आएगा, राइट। अगर आप इवन में इवन ऐड करोगे, राइट, इवन में चार प्लस चार आठ इवन, और इवन में अगर आप ऑड ऐड करोगे तो क्या आएगा, अगर आप इवन में अगर आप ऑड मान लो कि चार प्लस तीन सात, ये आपका क्या आएगा, ये आपका ऑड आएगा, ये आपका ऑड आएगा, ध्यान से कोई भी नंबर सोच लो, अगर आप इवन में इवन ऐड करोगे तो इवन होगा, अगर आपका इवन में कोई भी ऑड ऐड करोगे तो ऑड होगा। समझने का बेहतर एग्जाम्पल है कि आप कोई भी नंबर लेकर के सोच लो, मान लो एक इवन नंबर कितना है, मान लो कि आपने इवन नंबर मान लो टू लिया, तो टू प्लस टू कितना आ गया फोर, तो फोर इवन, ये टू हो गया इवन, ऑड हो गया आपका थ्री, तो टू प्लस थ्री कितना हो गया फाइव, राइट। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, जिसको भी समझ में आ रहा है सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, सी सैट बाई संजय कुमार साहब, सुमाश्री मिश्रा, मधुरिमा, प्रियंका, सजाउद्दीन अली, हिंदेश पेरेंट्स, भवानी, ममता, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए। इतने सारे बच्चे लाइव हो चुके हैं, बताओ 300 के आसपास बच्चे लाइव हैं, लेकिन लाइक अभी तक 200 के आसपास ही हैं, प्लीज़ लाइक सभी लोग करिए। अब देखो तो, अच्छा ये इवन, अगर ये इवन है, अगर इवन है तो ये क्या होगा, ये आपका इवन होगा, क्योंकि तभी तो इवन प्लस इवन करोगे तो आपका इवन आएगा, इवन प्लस इवन। तो अगर ये इवन है तो ये प्राइम नंबर की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बताओ, अगर इवन है तो इस प्राइम नंबर की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर ये इवन है, राइट 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 राइट, ओके, दो होगी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, कम ऑन जियो मेरे सर, लिखो कमेंट सेक्शन में, यस सर, यही चीज़ आपको मैं सर, तो इसका मतलब टू फी की जो वैल्यू होगी टू टू होगी, राइट, टू मस्ट बी देयर, टू मस्ट बी देयर, इट मस्ट बी टू देयर, राइट, इट मस्ट बी टू देयर, इज इट क्लियर, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था भाई, अगर कोई भी तीन प्राइम नंबर है तो एक प्राइम नंबर आपका इवन तो होगा ही, अगर ये इवन है, अगर ये इवन है, राइट, अगर प्राइम नंबर तीन प्राइम नंबर को अगर आप एडिशन करो, अगर ऑड जब होगा तो भाई ये इवन आएगा, इसका मतलब ये तीसरा, ये भी ऑड, यानी कि ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, तब आपका ऑड होगा। अगर इवन नंबर दिया है, फिर से समझो, राइट, फिर से समझो, अगर कभी भी अगर तीन प्राइम नंबर दिया है और उसका सम एडिशन अगर इवन नंबर दिया है तो एक प्राइम नंबर टू होगा ही होगा। अगर कोई भी तीन प्राइम नंबर दिया है, अगर उनका एडिशन अगर वो इवन नंबर दिया है तो एक प्राइम नंबर कोई सा भी इवन होगा ही होगा। अगर फाइव प्राइम नंबर दिया है, मैं देखो आगे बताता हूँ, मैं इसको आगे बताता हूँ, राइट, है ना, एक सेकंड को मैं इसको आज मेरे इसमें पता है इसमें जो है ना इसमें जो है इसमें इन्होंने स्पेस ही नहीं दिया, एक सेकंड,
न्यूज़ स्लाइड कैसे करूँ थोड़ा सा जो है ना कुछ पिलाइए, ठंडा जाओगे। ठंडा पिलाओ जी। देखिए, हाँ देखिए बताता हूँ। देखो, अगर कोई भी तीन प्राइम नंबर है, अगर इसका एडिशन अगर इवन नंबर दिया है तो इसमें से तीन प्राइम नंबर में से जो एक प्राइम, एनी वन प्राइम नंबर टू होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। राइट, सेम चीज़ अगर सेवन प्राइम नंबर दिया है तो कोई भी टू होगा ही, नाइन प्राइम नंबर दिया है तो ये टू होगा ही, इलेवन प्राइम नंबर दिया है तो कोई भी एक टू होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर उसका एडिशन इवन नंबर दिया है तो ये बात क्लियर है। इज इट क्लियर सभी को? राइट। सी सैट बाई संजय कुमार सा, टेलीग्राम चैनल का नाम भूमिका सी सैट बाई संजय कुमार सा। राइट, आप सभी लोग मेरे और भी लेक्चर्स यहाँ पे आप उसको ज़रूर देख सकते हो। राइट है ना, उसको आप सभी लोग ज़रूर देखना, लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, लेक्चर फोर, लेक्चर फाइव, पूरे यूट्यूब पे आपको कोशिश मैंने किया है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको कंटेंट की क्लास दे सकूँ। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये एक्स वाई जेड जो है ना, ये प्राइम नंबर है, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड अगर प्राइम नंबर है तो आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 38। और ये 38 क्या है, ये 38 आपका इवन नंबर है, क्या है ना, ये इवन नंबर क्या है, इवन नंबर पहचानने का तरीका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। राइट, सैयद जुमरा बताओ, सजाउद्दीन, सुमैया मुस्कान, रेनू मिश्रा, सूरज मौर्य, योगी हिंदी एक्सपायर, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए। राइट, क्या होगा? राइट, आप मुझे बताओ, अगर ये इवन नंबर पहचानने के तरीके क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द इवन नंबर। इवन नंबर अगर आपको पहचानना है तो इसका एक ही तरीका है कि इसका लास्ट डिजिट या तो जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो। राइट, अब सुनो, अगर एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 है तो इसका मतलब मान लो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एक इवन नंबर होगी टू, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 38। राइट, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 38 माइनस का टू, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 36 आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि कैसे मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 36 लिखा। मैं समझ रहा हूँ मेरे बच्चे कि आपको बहुत कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, अगर मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ टाइम पास हो। राइट, जिस प्रकार से UPSC का पैटर्न चेंज हुआ है, आपको भी सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा और आपको भी इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आपको समझना पड़ेगा। राइट, अब देखो, x प्लस वाई इक्वल 36। राइट, अब मुझे बताओ, कोई भी पहला प्राइम नंबर, चलो फर्स्ट प्राइम नंबर तो आपका 2 हो ही गया, राइट, अब 3 लो। राइट, जैसे x की जगह आपने 3 पुट किया, प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर ही होना चाहिए, पूछा ना व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, जबकि एक्स वाई जेड क्या प्राइम नंबर है। राइट, तो भाई x यहाँ पर लिखो, y की जगह अगर आप 3 लिखो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पूछा है 36। राइट, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 36 माइनस का 3 कितना आएगा, 33। 33 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं हुआ। राइट, ये नहीं हुआ। फिर देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 36। राइट, तो 3 के बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 36। राइट, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 36 माइनस का 5, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका, 31 आएगा। 31 आपका मैक्सिमम नंबर है, आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा, आंसर विल बी योर सी। इज इट क्लियर, आई बात समझ में कि 31 क्यों होगा भाई, 31 क्यों होगा, ये बात समझ में आ रही है। राइट, अगर आप सभी को समझ में आ रही है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10। अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे SP साह कोड को रिप्लाई करिए। राइट, आराम से मेरे, देखो 19-20 मिनट लग गए मुझे एक ही क्वेश्चंस को समझाने में, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आपका टाइम ज़रूर लगेगा। राइट, क्योंकि जब समय ज़रूर अगर समय लगे, अगर सही तरीके में, सही वे में अगर आप तैयारी करेंगे तो शायद आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल ही श्योर है। राइट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्या, अरे वाह मज़ा आ गया। सर, एक प्राइम नंबर 2 क्यों होगा, सर प्लीज़ बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। राइट है ना, राइट,
थैंक यू सर, मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, अब आपके सिक्स क्लास अटेंड करने के बाद सी सेट का सिलेबस पर ईजी लगने लगा। भाई साहब समय लगेगा, देखो मेरी और भी क्लासेस हैं पहले के, अगर आप देखोगे तो वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ उसी पैटर्न पे। बेटा ये मैंने दो क्यों लिया, दो इसलिए मैंने लिया कि दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, दो ही एक ऐसा ओनली इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर यहाँ पे 38 है इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर है सम इसका, इसका मतलब जेड की वैल्यू दो होगा ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। और अब हमें सिंप्लीफाई कर लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई की वैल्यू हमने पहला प्राइम नंबर 3 पुट किया तो x की वैल्यू 33 आ रहा है, और 33 आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या है, जो कपल हो, जो हस्बैंड वाइफ हो, जिसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर हो, इसलिए हमने वैसा किया। फिर हमने एक बार y की जगह 5 पुट किया तो x प्लस 5 इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू 31 हमने इसका माना, दैट्स वाई। ओके सभी को समझ में आ रही है, सर वो 5 कैसे आए? गोपी वर्मा अपने आप से लिखो ना, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, आपका प्राइम नंबर है, इसलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस पूछो, मैं समझ रहा हूँ। जब तक आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछोगे नहीं 10 बार 15 बार 50 बार 5 बार 1 बार 2 बार, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दिक्कतें आपको अभी आएगी, एक दो बार दिक्कत आएंगी, लेकिन एक बार अगर आपका ब्रेन एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा तो आपके दिमाग के अंदर जो सी सेट जो डीएक्टिवेट है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होने लग जाएगा, फिर मुझे एंटीवायरस डालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अभी तो मैं आपके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो महा ढोकोलोल है हमारे घर में, ओके, हमारे घर की भाई लोग जो है ना बहुत ढोकोलोल है, उनको बर्तन सफाई करना, घर का काम करना, सब कुछ रात को 10 बजे के बाद ही होता है, ठीक है। ये n इसका मतलब, देखो इसको मैं बता, इसका मतलब है n की पावर 2, इसका मतलब है n की पावर, इसका मतलब n की पावर, इसको बता दो। जैसे देखो n स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 33, ये है n स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 31, ये है n स्क्वायर माइनस का 29 है ना, 29, ये सब क्या, इन सब की वैल्यू क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक आपका प्राइम नंबर है, ये सब क्या है, आपका प्राइम नंबर है। देन द पॉसिबल, देखो क्या लिखा, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू हो सकती है, पॉसिबिलिटी, एन इज एन इंटीजर नंबर, एन एक इंटीजर नंबर है, राइट। अब तो मुझे लग रहा है कि सर क्वेश्चन आप सभी को समझ में आएगा, सर प्लीज रिप्लाई। डॉक्टर दिलखुश मीना सर 29 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, बिल्कुल 29 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने सही बात बोला, 29 भी हो सकता है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, अगर आप y की वैल्यू 7 पुट करोगे 36, तो x की वैल्यू 29 भी हो सकता है, लेकिन आपसे क्या पूछा रहा है, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x 31 होगा, इसलिए इसका आंसर 31 ही होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछा है। ओके बहुत अच्छा लगा आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि भाई n एक इंटीजर नंबर है, क्या हो सकता है इसका आंसर, प्लीज थिंक अबाउट इट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज कम ऑन, आराम से सोच, नहीं होगा तो मैं तो आपके लिए हूँ ही, ओके मैं तो आपके लिए हूँ। एक्स वाई जेड भी तो दो हो सकता है प्राइम, गवर्नमेंट जॉब विथ पी के राज, आई एम 12th पास स्टूडेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ UPSC, क्या करूँ मैं, टी शर्ट उतार के नाचूँ, 12th पास हो, अभी भी 12th पास की हो जाओ, कॉलेज में लड़की उड़की पटाओ, थोड़ा सा टाइम पास करो, फिर समझ में आएगा, फिर पढ़ो, राइट, वरना नहीं तो YouTube पे टाइम पास करो, है ना, कैसे टाइम पास करो YouTube पे, फालतू की वीडियो देखोगे, है ना, टीचर लोग भी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, एजुकेटर सब भी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको बहुत सारे स्ट्रेटजिकल वीडियो लेके आएंगे, ऐ तैयारी ऐसा तैयारी, अब कैसे करें इसकी तैयारी, अब ये करो ऐसे करो, अब पढ़ाने के नाम पे सब जीरो है, आपको मैं सच बताऊँ, राइट, इसलिए स्ट्रेटजी चीज़ों से मिलो, राइट, रणनीति से बचो, है ना, बहुत सारे टॉपर्स लोग हैं, राइट, बहुत सारे कोई ना कोई कोच होना चाहिए, उनका देख लो एक दो बार तीन बार बस हो गया, राइट, रोज़ रोज़ देखने से फ़ायदा मत करो अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को तो फ़ायदा जब ही होगा भाई, पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, राइट, है ना, फालतू की चीज़ें देखने से आपका टाइम पास होगा, मैं सच बता रहा हूँ, राइट, फालतू की चीज़ें देखने से आपका टाइम पास होगा, आपको अगर मैं अगर अच्छा एक बात सोचो, सुनो सभी लोग हो क्लास में प्रेजेंट, सभी लोग पर प्रेजेंट लगाओ, पी पी लगाओ, अगर मान के चलो कि मैं ही अभी वीडियो लेकर के आता, टाइटल लेकर के आता कि अब नहीं हुआ आपका प्रीलिम्स पास, जानिए दो स्टेप्स में, या क्यों नहीं हुए आप प्रीलिम्स में पास, आपकी यह थी गलती,
अगर मैं ये वीडियो लेके आता तो आप बताओ, अगर मेरे क्लास में अभी 300 साढ़े 300 400 के आसपास बच्चे अगर लाइव देखते हैं, मैं गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ मेरे क्लास में देखना अभी 2-3 हज़ार बच्चे लाइव होते हैं, सच बता रहा हूँ 2-3। लेकिन मैं क्यों लेकर के आऊँ यार, मुझे पता है ना बच्चा जिसकी जिसके नहीं हुआ है ना उसको खुद को अपनी गलती पता है। मैं यहाँ के बातों का बतंगर करके क्या फ़ायदा है, चुपचाप भाई पढ़ो, आके मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। भाई सी सेट की वजह से नहीं हुआ, मुझे पता चल गया बहुत सारे बच्चों को सी सेट की वजह से नहीं हुआ, तो सी सेट का लेवल थोड़ा सा बढ़ के पढ़ लो, बात खत्म। जिन्होंने मेरे सी सेट कोर्सेज में पेड बैचेज वगैरह लिया था, राइट, पेड बैचेज लिया था, उसमें से मैं बताऊँ, सब सच बता रहा हूँ, मेरे हाथ में ये है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, राइट, 60% बच्चों का हुआ प्रीलिम्स क्वालिफाई, उन्हीं का नहीं हुआ जो रिसेंटली तैयारी करना शुरू किया था। तो आप करोगे तो आपका भी होगा, आप भी मेहनत करिए, हो जाएगा। सर यूपीएससी में फॉर्म कब आ रहे होते, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो ना गोपी शर्मा, जब यूपीएससी का फॉर्म आएगा ना तो पूरी दुनिया को खबर हो जाएगा, राइट। ऐसे भी सरकारीresults.com है, सरकारी नौकरी की तैयारी वाला, वहाँ पर सारे फॉर्म्स आते रहते, पता चलता है। अपना चुपचाप इसके बारे में सोचो और टेलीग्राम लिंक को लेकर ज्वाइन कर लो। ये मैं थोड़ा सा आपको फोर्स करता रहता हूँ सभी को कि टेलीग्राम में सी सेट बाय संजय कुमार सा या नहीं तो SSM सर IIT दिल्ली ऑफिशियल ज्वाइन करो, या नहीं तो सी सेट स्पेस पोर्टल। अच्छा एक बात और बता दो, जो बच्चा लाइव देख रहे हो सभी को, राइट है ना, देखो प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नहीं जिसने पढ़ा होगा, अगर जिस सभी लोग सेशंस को एक बार लाइक कर दिए। सर देखो सर मैं कहा, देखो सर मुझे नहीं आ रहा है ना सर, 33 इज नॉट द प्राइम नंबर, वो क्वेश्चन नहीं हुआ। जो बच्चा भी अभी देख रहा है सेशंस को ज्वाइन करके, प्लीज़ इस सेशंस को क्लास के बाद भी आप देखा करो, क्लास के बाद भी देखा करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपकी प्लस क्लासेस देख सकते हैं, हाँ भाई प्लस क्लास देख सकते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, अनअकैडमी से किसी का भी कॉल आए, कितना भी आपको सिखाए बुझाए, आप इस कोड को यूज करके ज्वाइन करना है, SK10 मेरे कोड को। ऐसा नहीं है कि मेरा कोड यूज करो तो केवल मेरी ही क्लास मिलेगी, सभी सर की क्लासेस मिलेगी, चाहे मृणाल सर हो, चाहे जितने भी सर हो, चाहे जिसको भी आप देखना चाहते हो, जिससे आप पढ़ना चाहते हो, सभी एजुकेटर की क्लास मिलेगी, ठीक है। और बाकी मेरे साथ आप कनेक्टिविटी में रहते हो, मेरा भी क्लास मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो गया, बताओ क्या होगा आंसर, आंसर आपने सोचा कि नहीं सोचा, आंसर क्या होगा, आंसर बताओ आंसर, बहुत टाइम मिले, मुझे नहीं आ रहा है सर। ओके सर, सर कहाँ है क्वेश्चंस में, राइट है ना, सबको समझ में, सेशंस को सभी लोग लाइक करो सर। 33 इस क्वेश्चंस का आंसर बताओ क्या होगा आंसर, देखो मैं बताता हूँ, राइट, मैं बताता हूँ आप सभी से, एक जितना पूछूंगा उतना ही बताना। पिछले क्लास मैंने प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि नहीं बताया, क्या आपने पढ़ा वहाँ पर, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, याद करो वहाँ पर जो है ना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, याद पता है मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था, देखो कि n n+2 और जब n+4 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर होता है, n n+2 और n+4 एक ऐसा सेट ऑफ प्राइम नंबर होता है जहां पर n की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू सब 3, 5, 7, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस तीनों में सेम होता है, होता है कि नहीं होता है। बाकी बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसके बीच का डिफरेंस तीन प्राइम नंबर की सेट बता रहा हूँ, ओनली थ्री, ये थ्री सेट ऑफ प्राइम नंबर है, एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर होता है जिस तीन ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिसके बीच का डिफरेंस दो होता है, बाकी ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, सी सैट बाई संजय कुमार सा, यानी तो सी सैट स्पेस पोर्टल, राइट है ना, मैं इसको हटाता हूँ। बाकी ऐसे बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जिसके बीच का डिफरेंस दो तो बहुत सारे होते हैं, देखो दो ऐसे प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं, सुनो ध्यान से, दो ऐसे प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे देखो, जैसे मैंने 3, 5 बताया, 5, 7 बताया, राइट, 11, 13 बताया, राइट, 19, 17 बताया, राइट, 29, 31 बताया, 41, 43 बताया, राइट है ना, इज इट क्लियर, राइट, ओके। तो ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं जिसके बीच का डिफरेंस दो होता है, लेकिन अगर कभी तीन प्राइम नंबर की बात माना जाए, भाई ध्यान से सुनो, अगर कभी तीन प्राइम नंबर की बात की जाए तो केवल और केवल n n+2 n+4 3 5 7 होता है। अब सुनते रहो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना,
अब ध्यान, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। मैं आप सभी के कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, सबको समझ में आ रहा है। और कोई आपको आ रहा है तीन ऐसा प्राइम नंबर है, और कोई आ सकता है आपको? नहीं ना, नहीं ना, चलो ठीक है ठीक है। मैं यही देखना चाह रहा था सर, टेलीग्राम लिंक मिल नहीं रहा है, इनवैलिड शो करो डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम लिंक से क्यों जा रहे हो? डिस्क्रिप्शन के आसपास सर्च कर लो ना, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद संजय कुमार शाह। मैं बार बार बोल रहा हूँ सीसैट बाय संजय कुमार शाह सर्च करो ना, 8000 से थोड़े ज़्यादा है, मेरा लिंक वगैरह देख के ज्वाइन कर लेना। एंड तो यूट्यूब पर सर्च करो संजय कुमार शाह चैनल, आपको टेलीग्राम का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करो संजय कुमार शाह चैनल, डायरेक्ट मिल जाएगा। अब देखो भाई सुनो, ये एन स्क्वायर प्लस टू है, राइट है ना? देखो सुनो ध्यान से, ये 33 है और ये 31 है और ये 29 है, राइट? इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? सबके बीच का डिफरेंस दो है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? तीन। कितने डिफरेंस है? दो डिफरेंस, राइट? अब सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। देखो सॉल्व करने के तो और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। पहले मैं आपको एसएसएम फंडा बताता हूँ थोड़ा सा। पहले मैं आपको इसका एसएसएम फंडा अभी छोड़ दो। एन क्या है? एन इज इंटीजर नंबर। कमेंट सेशन में कमेंट करो एन इज इंटीजर नंबर। तो आप एक एक इंटीजर नंबर पुट करके देखो, रख कर देखो एन की जगह। अगर रखने के बाद अगर वो प्राइम नंबर आता है तो समझ लो कि आपका आंसर परफेक्ट है, आपका आंसर परफेक्ट है। जैसे देखो अगर मान लो आपने एन की जगह मान लो आपने वन रखा, तो वन स्क्वायर करोगे कितना आएगा? देखो 33 प्लस टू करोगे 35, राइट? एन स्क्वायर माइनस टू, यार ये माइनस का 33 है ना, एक सेकंड रुकना, मैंने एन स्क्वायर माइनस टू मैंने कर दिया था। ओहो रुको, मैंने क्वेश्चन कर एन स्क्वायर माइनस 33 है ना, एक सेकंड रुको रुको, ये एक सेकंड थोड़ा सा, ये एक सेकंड रुके। हाँ ये क्वेश्चन सही लिखा था आपने, याद भी नहीं किया। ये एन स्क्वायर माइनस 33 है, ये एन स्क्वायर माइनस का 31 है, ये एन स्क्वायर माइनस का 29 है, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखो, अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे, इंटीजर नंबर है, अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 31 करोगे, अगर यहाँ पर करोगे 1, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 31 कितना आएगा? 33। तो ये आएगा माइनस 32, तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। 2 भी पुट करोगे तब भी नहीं आएगा, 3 पुट करोगे तब भी माइनस में आएगा, 4 पुट करोगे तब भी माइनस में आएगा, 5 पुट करोगे, अगर आप 5 पुट करोगे n की जगह तो 5 का स्क्वायर 25, अगर मान लो कि n के इक्वल टू मान लो 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर माइनस 33 कितना आएगा? 4 माइनस 33, ये भी माइनस आ जाएगा। n इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 5 स्क्वायर माइनस का 33, 25 माइनस 33 माइनस का 8, ये भी नहीं होगा। n इक्वल टू अगर आप 6 पुट करते हो, राइट, तो 6 स्क्वायर माइनस 33, तो 36 माइनस का 33। 3 क्या है? प्राइम नंबर। अब ये बात क्या n इक्वल टू 6 सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या n की वैल्यू 6 सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? राइट, अली कह रहा है सर आपका पेड कोर्स लेना है, ओके कोई बात नहीं। देखो यहाँ पहले भी n इक्वल टू 6 स्क्वायर 33 में, तो 36 माइनस 33, ये 3 जो है, अब 6 पुट किया तो 33 आ रहा है, 3 भी प्राइम नंबर, मुझे ना r प्राइम नंबर, ठीक है? अगर अभी आप यहाँ पे आप 6 पुट करो, 6 स्क्वायर माइनस 33, तो 36 माइनस 31 करोगे कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पे 6 पुट करोगे, 6 स्क्वायर माइनस 29, सबको चेक करना पड़ेगा, 36 माइनस का 29 क्या हो गया? 7। देखो यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है आपका? 3 हो रहा है। क्या 3, 5, 7 प्राइम नंबर है? और देखो अगर ये 3 एक दिशा में है तो वही प्राइम नंबर आएगा, 3, 5, 7। क्या ये सेटिस्फैक्शन हो रहा है? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? n इज अ इंटीजर नंबर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n की पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 6। आंसर क्या आएगा आपका? 6। भाई टाइम जरूर लगेगा, समय जरूर लगेगा, इतना आसान नहीं है। सेशंस को जरूर टाइम दीजिए, मैं बार बार कहूँगा टाइम जरूर दीजिए। ये
मैं आपको समझाने नहीं आया हूँ, मैं आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने आया हूँ, सिखाने आया हूँ, फिर आपको इस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके, उसके बाद आपका सीसेट। मेरे प्यारे बच्चे, जो यूपीएससी का रवैया है जैसे देखने को मिल रहा है, मेंस यूपीएससी का बहुत ईजी होता जा रहा है और प्रीलिम्स जो है बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ये सीधा सीधा प्रीलिम्स में ही छांटने की इनकी प्लानिंग है बहुत ज़्यादा, इसलिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लेवल को बहुत ज़्यादा वो अलग करते जा रहे हैं, राइट, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लेवल को, राइट, बहुत ज़्यादा लेना, बहुत ज़्यादा अलग है। सी सेट बैठे संजय कुमार साहब, ठीक है डॉक्टर दिलखुश मीना, ठीक है, अब देखिए ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं इसको इलाज कर इरेज करता हूँ, ये तो एस एस एम फंडा था, लेकिन आपको समझना चाहिए, मैं बार बार आपको, देखो मैं जितना आपको प्राइम नंबर के बारे में पढ़ाया हूँ ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से अगर आप समझ पा रहे हो, समझ लो, तो आपके लिए वो सफिशियंट है, राइट, है ना, आपके लिए वो सफिशियंट है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, किसी को भी आपके घर परिवार में अगर कोई भी मैथ्स में ज़्यादा वीक है उनको ज़रूर बोलिए, टाइम दे, कम से कम 15 दिन तो ज़रूर बोलिए मेरी क्लास को झेलने के लिए, राइट, है ना, तभी उसको आएगा, वरना नहीं तो रटना पड़ेगा, राइट, क्वेश्चंस को देख करके ऐसे रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, और उससे होना कुछ नहीं है, जो बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं ना, इसलिए ऐसे उसका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, समझ के पढ़ोगे तो हो जाएगा, समझ के पढ़ोगे, खुश होकर पढ़ोगे। देखो, और ये एन एस का, ये इसका और इसका डिफरेंस टू इसका, इसका मतलब मान लो, इसको मान लो मैं मान लो कि मैं मान लो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मान लो कि मैं ए प्लस टू मान लेता हूँ, इसको मान लो कि मैं ए प्लस फोर मान लेता हूँ, एन एन प्लस टू एन प्लस फोर है, तो ए ए प्लस टू ए प्लस फोर मान लो, या बी बी प्लस टू बी प्लस फोर मान लो, या सी सी प्लस टू सी प्लस फोर मान लो, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इससे सबको पता है। दूसरा तरीका भी समझाता हूँ, राइट, आराम से समझिए, राइट, ओके, ये बात सबको समझ में आ रही है, सब लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करिए। अच्छा, ए ए प्लस टू ए प्लस फोर है, तो आप मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बताइए, आप अगर ए ए प्लस टू ए प्लस फोर है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बताइए, ए की वैल्यू क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताओ। यस, बिल्कुल सही बोला, 3 होगी, राइट, इसकी वैल्यू 5 होगी और इसकी वैल्यू 7 होगी। अब देखो, अगर ये 7 होगा तो अब देखो आंसर देखना बहुत जल्दी आएगा, अगर ऐसा है तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको सीधा इसके इक्वल कर सकते हो, यानी कि एन स्क्वायर माइनस का 33 इक्वल टू 3, एन स्क्वायर 3 ये उधर जाएगा तो प्लस का 33, तो एन स्क्वायर इक्वल टू 36, एन इक्वल टू स्क्वायर होटेगा तो अंडर रूट में जाती है, कितना आ गया 6, देखो 6 आंसर आ रहा है, आ रहा है, ये आपका हो गया। इसको भी आप करोगे तो ऐसे ही होगा, देखो ना, एन स्क्वायर माइनस का 31 इक्वल टू 5, किसी से भी करो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 प्लस 31, एन स्क्वायर की वैल्यू 36, तो एन की वैल्यू अंडर रूट में 36, एन की वैल्यू 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है, इसको भी आप कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन स्क्वायर माइनस 29 इक्वल टू 7, एन स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 29, एन स्क्वायर इक्वल टू 36, एन इक्वल टू कितना होगा 6। अब आप मुझे बताओ किसी भी तरीका से हर दिशा में क्या 6 आ रहा है आंसर, अगर सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, यस सर मैं बदलना चाहता हूँ अपनी सोच, क्योंकि मैं आपको ही बनाऊँगा अपना कोच, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आराम से पढ़िए, राइट, इतना आसान नहीं है ये, ध्यान रखिए सभी लोग, कमॉन। ठीक है, ओके सर, प्लीज़ आप कोई भी वीडियो को 24 आवर्स के मिनिमम क्लास रिपीट करके देखने, अभी देख लो, मैं अभी डिलीट कहाँ कर रहा हूँ, डिलीट करूँगा फुर्सत से, 2-4 दिन में डिलीट करूँगा। देखो डिलीट आपको मैं बता देता हूँ कैसे रहेगा, राइट, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, कुछ भी चीज़ करा रहा हूँ ना, तो बीच से कोई भी एक लेक्चर गायब रहेगा, इसलिए क्योंकि अगर आप सीरियस में हो ना तो आप ज़रूर सीरियस में टाइम दोगे, राइट, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही क्लासेस ऑफलाइन में 40 से 45 हज़ार का है, ऑनलाइन में आपको इतना सस्ता आपको मिल रहा है, और ऐसे भी मैं आपको फ्री ही मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो आप इसको अच्छे से करिए, आराम से पढ़िए। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चंस का वो भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। आवाज़ आ रहा है क्या पीछे से, राइट, आवाज़ आ रहा है क्या, राइट, देखा, देखो
क्वेश्चंस कोई टफ नहीं है। जिस प्रकार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछी है दो साल में, क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चंस भी उसी पैटर्न के आधार पे है? क्या आपको ऐसा बिलीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे बताइए। आप सभी लोग ये मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? राइट, तो सेम पैटर्न पे मैं आपको बेसिक्स ही है, कोई टफ चीज़ें नहीं है, बेसिक्स ही है, कोई टफ चीज़ें नहीं है जो आप इसको टफ समझ रहे हैं और आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वही चीज़ है, बस आपको इसी पैटर्न पर धीरे धीरे पढ़ना है। राइट सर, ढोकोलोलो की वॉइस है। राइट हाँ, टेलीग्राम पर ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर, ऑप्शनल पीएसआर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कौन इजी होगा? सर आप पूरा तो कभी नहीं पढ़ाते हैं, हर बार कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं। वी टी एंटरटेनमेंट कह रहा है कि हर बार बेटा आप देख लो मेरी क्लास, मैं यूट्यूब पर सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं ही हूँ जो लास्ट में भी आईपीएल सेशन को लास्ट तक पढ़ाता रहा आपको। राइट, ये क्लासेस आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। राइट, लेकिन चलने के दौरान बीच से कुछ चीज़ें आपका हो सकता है डिलीट हो जाएगा अगर आप लाइव नहीं देखोगे तो। मैं ही तो हूँ जो आपको पढ़ाता। अब बताओ इस क्वेश्चन को देखते आपका आंसर आना चाहिए, बताओ कमॉन 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 क्या होगा आंसर? प्लीज़ थिंक अबाउट इट, प्लीज़ थिंक अबाउट इट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। टेलीग्राम लिंक सब देखो, कभी देखो ना देखो, लेकिन रात को 10 बजे, रात को 10 PM जरूर क्लास लाइव जरूर देखा करो। राइट, बताओ शीतल क्वेश्चंस ट्रू सर, जो भी आप बोले थे नंबर सिस्टम से ही आया था ना? देखो अभी भी बोलो नंबर सिस्टम, देखो अगली बार क्वेश्चन देखना नंबर सिस्टम से तो रहेगा ही रहेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी रहेगा, प्रोबेबिलिटी से भी रहेगा, लेकिन देखना अगली बार क्वेश्चन मैथमेटिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम और सिलोलिज्म से क्वेश्चन जरूर आएगा। कुछ क्वेश्चन आपके टीएसटी से भी रहेगा, रेसेस से भी रहेगा क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल के होंगे। ओके, तीन ही क्यों होगा सर प्लीज बताओ, योगी जी बोल रहे हैं। वाह सर, कंप्लीट कोर्स है आपका, क्लियर? ओके एक सेकंड देखो, हिंदी चैनल में बहुत, देखो बताता हूँ, देखो इफ एन एन प्लस टू एंड एन प्लस फोर आर प्राइम नंबर देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तरह देखो तो ये एन हो गया, एन प्लस टू हो गया और एन प्लस फोर हो, तो केवल और केवल पॉसिबल वैल्यू एन की होगी, क्या होगी, प्राइम नंबर, देन थ्री, ये फाइव और ये सेवन, आंसर इसका सी होगा थ्री। मैंने ये अभी आपको कराया ही था, आपको पढ़ाया ही था, बहुत सारे बच्चे आपने हो पी वाई क्यू अब तो सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो अब देखो यूपीएससी, आप मुझे बताओ इस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है, आप ही मुझे बताओ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, पी इज अ प्राइम नंबर, देखो क्या लिखा है, पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी प्लस टू इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, आराम से देखो घबराओ नहीं। देखो पी जो है ना, पी जो है ये एक प्राइम नंबर है, अब पी प्लस टू जो है ये भी एक प्राइम नंबर है। राइट, तो पी पी प्लस टू प्लस वन इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। राइट, पहला स्टेटमेंट। सेकंड है पी पी प्लस टू इज अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, डिविजिबल होगा, इज अ स्क्वायर की जगह डिविजिबल होगा। राइट, स्क्वायर की जगह ये आपका डिविजिबल होगा, स्क्वायर की जगह, स्क्वायर है नहीं, ये स्क्वायर की जगह ये आपका डिविजिबल होगा, डिविजिबल ऑफ 12, पी इज ग्रेटर देन 3,
पी की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो आपको चेक करना है, राइट, आपको चेक करना है। यस, P अगर प्राइम नंबर है, P प्लस 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सोचो अभी आप यहाँ से, आप क्वेश्चंस को देख के फरफराना नहीं है, राइट राइट। क्वेश्चंस को देख के फरफराइए नहीं, क्वेश्चंस को देख के। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, प्लीज़। सर हिंदी चैनल पर इतना कम क्लास क्यों? हिंदी चैनल पे भी आऊँगा जल्दी, आप टेंशन नहीं लीजिए, हिंदी चैनल पे भी आऊँगा, राइट, हिंदी चैनल पे भी आऊँगा सर, प्लीज़। इसके बारे में थोड़ा सोचो ध्यान से, राइट। पी भी एक प्राइम नंबर है, पी प्लस टू भी एक प्राइम नंबर है, पी पी प्लस टू, इसका मतलब क्या है कि एक साथ पी पी प्लस टू का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्राइम नंबर लो जिसके बीच का डिफरेंस दो हो, जिसके बीच का डिफरेंस दो हो, तो अच्छा है, अच्छा है। आराम से सोचो, आराम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, आराम से सोचो। इंग्लिश हिंदी से क्या मतलब है पढ़ने से रखो, आराम से सोचो, आराम से। पूरा मौर्य कह रही है कि फर्स्ट वाला ट्रू है। प्रेम सागर, इस क्वेश्चंस की पीडीएफ जब भी दूंगा ना, जब क्लास देखो, अब क्लास फिनिश हुआ नहीं कि बच्चों का मनोबल जो धीरे लूज, अरे ढोको लो लो, तुम महा उल्लू बचाओ, उल्लू बचाओ। क्यों, मैंने क्या बोला, पी पी प्लस टू, जरा यहीं पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, यहाँ पे देखो, अगर ये 3 है, सुनो, अगर मान लो, इधर सुनो, इधर देखो, देखो ध्यान से देखो, देखो, अगर मान लो 3 एक प्राइम नंबर है तो ये क्या है, पी प्लस टू एक प्राइम नंबर है, अगर ये पी है तो ये पी प्लस टू एक प्राइम नंबर है, अगर ये पी है तो ये पी प्लस टू एक प्राइम नंबर है, अगर ये पी है तो पी, अगर ये पी है तो ये पी प्लस टू एक प्राइम नंबर है। भाई अगर कोई भी प्राइम नंबर हो जिसके बीच का डिफरेंस अगर दो हो, राइट, पी पी प्लस टू, देखो अगर पी पी, अगर एक पी है और प्लस टू है, इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, दो का है, जिसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, जिसको हम ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या हुआ, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, राइट, 11 हो गया, 13 हो गया, राइट, ओके, 17 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, ऐसे आपके पास बहुत सारे प्राइम नंबर है जिसको आपको चेक करना है और आपको का बताना है। इज इट क्लियर, यस या नो, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप सोचो, अब आप यहाँ पे, भाई ये जो वैल्यू है आपका पी का है, ये वैल्यू पी प्लस टू का है, ये वैल्यू पी का है, राइट, ये वैल्यू पी प्लस टू का है, ये बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन करो ना अच्छे तरीके से, इसको नोट डाउन करो ना सर, इसको नोट डाउन करो ना, अरे ये मैंने कहाँ लिख दिया आपको, इसको पहले नोट डाउन करो, अब सोचो, अब सोचो, आप अब सोचो, आराम से सेशंस को लाइक करिए, राइट। सारंग कह रहे हैं मे बी भी केवल दो, वैल्यू पुट करके अब देखो, वैल्यू पुट करके देखो, आराम से सोचिए भाई। यूपीएससी इसी ओर जा रही है सर, आपकी बुक परचेज करना है। ओहो, संजोली कह रही है कि सर आप फ्री क्वालिटी एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री बताओ, ये कह रही है क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, इसका इसका भी कोई मतलब है क्या, तुमको पढ़ने से मतलब है, तुमको आम खाने से मतलब है कि ये पूछते हो आम वाले के जाकर, भैया भैया
ये मैंगो मीठा है, ये मैंगो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये तुम बोलोगे भैया ये जो मैंगो आया, ये मैंगो कहाँ से आया, किस जगह से लाए हो? अच्छा भैया उस जगह से कैसे लाए हो? अच्छा भैया ये मैंगो जहाँ होता है वहाँ की क्ले कैसी है? भैया ये कौन सी है, किस इंसान से ख़रीदा है, कैसे इसको तोड़ा गया है भैया? तब तो दिक्कत है ना, है ना? तुमको पढ़ने से मतलब है, तुमको समझने से मतलब है, तुमको रीजन, तुम सच में महा ढोको लो लियो, ओके? पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? समय लेट हो गया भाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ लेट वेट के चक्कर मत रहो। अगर मेरी क्लास होती है तो प्लीज़ कोई भी क्लास अगर आपका है तो उसको पोस्टपोन जरूर करो, उसको मत देखो। हाँ अगर ऑप्शनल की क्लास है, अभी भी सुनो, अगर वो क्लास आपकी ऑप्शनल का है तो मेरा भी क्लास मत देखो, ठीक है? फिर आप ऑप्शनल का क्लास लाइव देख लो, ठीक है? अगर आपकी क्लास कहीं अगर ऑप्शनल का चल रहा है तो वो वाली क्लास देखो, फिर मेरा क्लास मत देखो, राइट? क्योंकि भाई ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का, राइट? अगर समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, क्लियर? ओके, देखो अब आपको बताता हूँ, राइट? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, फॉलो करना, राइट है? देखो मैं बताता, अच्छा अब आप मुझे बताओ, अब आपको बात समझ में आ गई। पी पी प्लस टू, देखो अगर मान लो पी और पी प्लस टू का मतलब है इसके बीच का डिफरेंस जो है ना दो होना चाहिए। तो इसका प्राइम देखो कौन कौन से प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर 3 है, फिर ये एक 5 है, फिर ये आपका 5 होगा तो ये 7 होगा, फिर ये आपका 11 होगा तो 13 होगा, फिर ये आपका 11, 13, फिर ये आपका 17, 19, इतने तक ही रहने दो, बाकी आगे और भी प्राइम नंबर होगा, आगे आपका और भी प्राइम नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा प्राइम नंबर, राइट? वस यस या नो, होगा प्राइम नंबर? अब देखो, देखो प्रवीण गुप्ता जी कैसे हैं आप? सभी लोग सेशंस को लाइक करना, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना, अन अकेडमी पर कोई भी फ्री क्लास देखना हो, कोई भी कॉल आए आपको तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे किसी भी कोर्सेज को एक्सेस करने के पूरे अन अकेडमी पर आप इस कोड को यूज करके ज्वाइन करेंगे और आप मुझसे ज़रूर बात करेंगे। एडमिशन लेने के बाद मुझसे ज़रूर बात करना, राइट? मेरे पर्सनल गाइडेंस में ज़रूर एक बार आना, ठीक है? कैसे करना चाहिए, ठीक है? अब देखो, अब देखो, अब क्या कह रहा है, देखो पी पी प्लस टू प्लस वन इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो पी की वैल्यू क्या है, मान लो एक 3 ले लिया, 3 ले लिया, राइट? इंटू 5 ले लिया, पी प्लस टू प्लस वन, 3 16 16, क्या एक स्क्वायर है? यस। कोई भी नंबर ले लो, मान लो आप मान लो 11 ले लो, 11 ले लिया, 11 ले लिया, इंटू 13 कर लिया प्लस वन, 11 13 जा कितना आएगा, 143 प्लस वन 144, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है ये भी। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें किसी को कोई फड़फड़ाहट? विवेक कुमार कह रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, मैं आपका सच में मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे बच्चे, राइट? है ना, मैं फास्ट जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट? मेरे लिए सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि बार बार कह रहा हूँ पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने पे फॉलो करना है, आपको समझना। अभी तो मैं आपको ये वाला मेथड बता रहा हूँ जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे भी तरीके आपको बताऊँगा जिसको आप बाई मेथड वाइज कैसे सॉल्व कर सकते हो, ओके? राइट सर, सर स्क्रीन कंप्लीट नहीं दिख रहा है, ब्लॉक कीजिए ऐसे स्टूडेंट्स को, क्यों ब्लॉक करें भाई, वहाँ ढोको लो लो, ब्लॉक क्यों करें, हैं? सेकेंड स्टेटमेंट देखो, पी पी प्लस टू इज ऑफ पी पी प्लस टू, तो मान लो पी पी प्लस, अब देखो पी की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है तो ये 5 और 7 ले लो, मान यहाँ पे मान लो 5 लिया, राइट? फिर 5 5 प्लस 2 7 कितना होगा, 12 क्या 12 से डिवीजन है, यस। कोई भी 17 ले लो, 17 प्लस 19 36 36 क्या 12 से डिवीजन है, यस डिवीजन है। 11 प्लस 33 कितना है, 24 क्या 12 से डिविजल है, यस डिविजल है। तो आंसर इसका क्या आएगा, ओनली 1 ओनली 2 नीदर 1 नॉर 2 ओनली 1 एंड 2, यानी कि ये वाला सही है, आंसर इसका सी होगा। सर इसको भी अगर ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट सेक्शन में SKS10 कोड को यूज करें, SKS10 रेफरल कोड को यूज करें, और टेलीग्राम SKS10 _ अन अकेडमी लिखोगे ना तभी आप मेरा एक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लोगे, SKS10 _ अन अकेडमी, राइट? सभी लोग आराम से करिए, इज इट क्लियर? SKS10 यही है रेफरल कोड, प्रोमो कोड, डिस्काउंट कोड। इरशाद अहमद, प्रवीण, प्रिया शर्मा,
राइट आशीष गुरु जे पी सर वाह सैयद जुमरा आशीष दिलखुश मीरा क्रिस्टल क्लियर सूरज मौर्य चेतन पठार घनश्याम लीलावत सर जी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। सुजाता झा कहाँ से हो झा जी। शेखर सर सभी लोग सेशंस को लाइक करिए शेयर करिए। आई नीड योर बुक प्लीज सेल्फ इट टू मी डेफिनेटली अंकित प्लीज वेट। सर मैं तो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी क्योंकि और ऐसे नहीं पढ़ते। ओके ओके ठीक है बेटा ठीक है 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 अनअकैडमी नहीं आज अनअकैडमी पे कोई क्लास नहीं है राइट अभी अनअकैडमी पे कोई क्लास नहीं है। दीपक कुमार चौधरी सर आपका घर कहाँ है। मेरा घर जो है ना अर्थ प्लानेट पे है एक ऐसा प्लानेट है। टोटल कितने प्लानेट हैं बताओ टोटल कितने प्लानेट है बताओ राइट। अब देखो इसको देखो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो राइट। देखो अगर P एक प्राइम नंबर है और एक P प्लस टू प्राइम नंबर है तो ये इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 माइनस n माइनस 1। अगर P प्लस टू है तो 6n प्लस 2 होगा। जैसे बात समझ में आ रही है राइट। तो ये इसको आप 6n माइनस 1 से चेक कर सकते हैं। इसको आप 6n प्लस 1 से चेक कर सकते हैं। अगर P एक प्राइम नंबर है तो इसको 6n माइनस 1 से चेक कर 6n प्लस 1 से चेक कर सकते हैं। मेरी बात जैसे देखो जैसे मान लो कि 6 into 1 minus 1 करोगे तो कितना आएगा 5। 6 into 1 plus 1 करोगे तो 7। 5 एक प्राइम नंबर है। 6 into 2 minus 1 करोगे 11। 6 into 2 plus 1 करोगे तो 13 आ गया। 6 into 3 minus 1 करोगे 17। 6 into 3 plus 1 करोगे 19। बात समझ में आ रही है। अब देखो अगर आप यहाँ देखो अगर p p प्लस टू प्लस वन एक कम्प्लीट स्क्वायर नंबर है इसको तो आप ऐसे ही सॉल्व करो p p प्लस टू तो p p p प्लस टू तो p p से p को मतलब p स्क्वायर प्लस का 2p और प्लस वन p स्क्वायर प्लस 2p वन राइट। यहाँ पे आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर राइट। अगर आप यहाँ पे p प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर प्लस का 2p प्लस का 1 तो ये आपका क्या है ये है आपका p प्लस 1 का होल स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस तो फर्स्ट आपका सही है राइट। थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के बाद आपको आप यहाँ पे इस मेथड को समझ पाओगे। थोड़ा सा अगर आप अपना लेवल बढ़ाओगे तो आप इस पॉइंट्स को समझ सकते हो राइट। थोड़ा सा अगर आप अपना लेवल बढ़ाओगे तो आप इस पैटर्न को समझ सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही राइट। इसलिए आप सभी लोग टेंशन नहीं लेना है सभी लोग टेंशन नहीं लेना है राइट ओके। अब देखो पी पी प्लस टू सर ये हो गया पी पी प्लस टू ये क्या है ये आपका डिविजिबल। अगर ये डिविजिबल है तो हमें इससे चेक करना है। तो पी के जगह किससे चेक करना है पी के जगह 6n माइनस 1 और ये प्लस प्लस और पी प्लस टू को हम किससे चेक करना है 6n प्लस 1 से 6n प्लस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 6n प्लस 6n 12n जो है क्या ये डिविजिबल है 12 से यस एन आ गया। आंसर क्या आएगा इसका 2 यानी फर्स्ट ये भी सही है आंसर इसका क्या आएगा सी आएगा। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो थोड़े से टेक्निकल फील्ड से हैं राइट राइट SSM फंडा तो होगा ही आपको समझना पड़ेगा राइट है ना। जब तक आप समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं हमेशा देखिए कितने सारे क्वेश्चन देखो किस लेवल के क्वेश्चन हैं देखो किस लेवल की इस लेवल के क्वेश्चन जिस लेवल की UPSC आज के टाइम में डिमांड कर रही है देखो ना डिमांड कर रही है कि नहीं कर रही है ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चे एक एक क्वेश्चंस को बनाने में जो है ना दिमाग का ढक्कन हिल गया हमारा ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए ले करके आना पढ़ना रिसर्च करना लाना दिमाग का ढक्कन हिल जाता है ठीक है। इसलिए सभी लोग सेशंस को प्यार दीजिए पढ़ाई कीजिए फोकस कीजिए। अलग अलग लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे जो आपके और भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप किसी एक चीज़ों को देख करके आप मत फरफराइए राइट है ना राइट है ना। अगर आप हो अभी भी दिमाग का ढक्कन अगर आपका ठीक है राइट है ना तो आराम से पढ़िए आराम से फोकस करिए अच्छे तरीके से राइट ओके ताकि इस पर्सपेक्टिव में आप सभी लोग आराम से
ज्वाइन कर रहा है, इसलिए अगर आप अनअकैडमी पर ज्वाइन करना चाह रहे हो प्लीज़ यूज माई रेफरल कोड SKS10, इस कोड को यूज करिए राइट। कोई भी कोर्सेस लेना, ये हमारा क्लास का शेड्यूल है, एक बार इस क्लास के शेड्यूल को देख लीजिए, दिस इज आवर क्लास शेड्यूल। कल से 11:30 बजे वाला भी रेगुलर आपका क्लास होगा राइट, है ना। कल से आप रेगुलर 8 बजे रेगुलर क्लास होगा राइट, है ना। तो इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से आप ध्यान से फॉलो करिएगा राइट, ओके राइट। तो दिस इज द लास्ट थिंग्स राइट, बिकम इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS टॉपर राइट, अगर आप IAS टॉपर बनना चाहते हो तो यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन राइट। आपको सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा राइट, है ना। स्टडी तो आपको हार्ड करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करना है, अवेयरनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और आपके पास एक ऐसा स्ट्रैटजी विथ ग्रेट मेंटरशिप डेफिनेटली यू विल बिकम अ टॉपर राइट, है ना। तो ऐसे सिंपलेस्ट नहीं होगा, आलतू फालतू की वीडियो देखना छोड़ दो, एक ही जगह आराम से पढ़ो, मेहनत करो, है ना, और कंटेंट वही पढ़ो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर कंटेंट होगा तो हो सकता है आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा राइट, लेकिन आएगा ज़रूर, ओके। डेली टाइम 12 बता दिया हूँ, टेलीग्राम लिंक को सब लोग ज्वाइन करिए राइट, है ना। अनअकैडमी की तरफ से कोई भी कॉल आता है प्लीज़ आप इस कोड को यूज करके ज्वाइन करिए, दिस इज द रेफर कोड राइट, है ना, एंड दिस इज द प्रोमो कोड राइट। इस कोड को यूज करके ज्वाइन करिए, कोई भी कॉल आता है चाहे अनअकैडमी से तो उनको फ़ोन करके बताइए यस आई वांट टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक विद द हेल्प ऑफ दिस रेफर कोड SKS10। सभी एजुकेटर की क्लासेस एक्सेस करोगे, यू कैन एक्सेस ऑल एजुकेटर क्लासेस, ऑल मल्टीपल बैचेज, और मेरे साथ पर्सनली आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्लीज़ गुरु दक्षिणा के तौर पे इस वीडियो को शेयर जरूर करना राइट, है ना। आज ऐप पे क्लास नहीं है राइट, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा राइट। कहाँ कहाँ शेयर करिएगा, व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम का कोई ग्रुप है आपके ऑफलाइन कोचिंग का, वहाँ पे शेयर कर दीजिए राइट, है ना। बाकी इसकी प्लेलिस्ट भी आपको दी जाएगा, उसको 2-3 बार जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सभी लोग शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी लास्ट डेट ऑफ 15 जून से न्यू बैच स्टार्ट होगा, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, बस इस कोड को ध्यान यूज करिएगा कैपिटल लेटर में SKS।